नमस्कार दोस्तों, आज हम एक रोचक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। क्या हनुमान जी अब भी जिंदा हैं? यह प्रश्न बहुत ही अति रहस्यमय है और हमारे समाज में अनगिनत लोग इस पर अलग अलग धारणाएं रखते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हनुमान जी अब भी जीवित हैं और उनका अदृश्य रूप लोगों की मदद के लिए सदैव उपलब्ध है। वे उनकी भक्ति और प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उनकी समस्याओं का हल निकालते हैं। वहीं कुछ लोग इसे केवल पौराणिक कथाओं का हिस्सा मानते हैं और मानते हैं कि हनुमान जी केवल इतिहास की कल्पना है। हम इस प्रश्न को विज्ञान, धर्म और संस्कृति के तत्वों के माध्यम से विचार करेंगे और देखेंगे कि क्या वास्तव में हनुमान जी अब भी हमारे बीच हैं या नहीं। हनुमान जी भारतीय हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता हैं और वे भगवान राम के प्रिय भक्त हैं। उन्हें पवन पुत्र और वायुपुत्र के रूप में जाना जाता है। हनुमान जी का जन्म किष्किंधा नामक स्थान पर हुआ था और उनके पिता वायु देवता थे। उनका विशेष गुण था उनकी अत्यंत भक्ति और समर्पण, जो उन्हें भगवान राम की सेवा में समर्पित करता था। हनुमान जी को अमर चरित्र का वरदान मिला है, अर्थात वे अनंत काल तक जीवित रहेंगे। उन्हें बल, वीरता और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। उनकी कथाएं और लीलाएं भगवान राम के वानर सेना के साथ जुड़ी हैं और उनका महत्वपूर्ण योगदान रामायण महाकाव्य में दर्शाया गया है। हनुमान जी को लोग आज भी विशेष भक्ति और सम्मान के साथ पूजते हैं और उन्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में आदर्श बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद का अनुभव होता है। हनुमान चालीसा का पाठ भक्तों को शक्ति, साहस और संतोष की प्राप्ति में मदद कर सकता है। यह काव्यात्मक प्रशंसा है जिसमें हनुमान जी की महिमा, शक्तियाँ और गुणों का वर्णन किया गया है, जिससे भक्तों को आध्यात्मिक और आर्थिक लाभ मिल सकता है। इसलिए बहुत से लोग नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और उन्हें इससे आनंद और शांति का अनुभव होता है। अगर आप सच्चे मन से हनुमान जी को याद करते हैं, हनुमान चालीसा रोज पढ़ते हैं, सच में हनुमान जी आपके साथ होते हैं, ये बात सच है। जहाँ भगवान राम की कथा होती है वहाँ हनुमान जी अवश्य होते हैं। इसलिए हनुमान की कृपा पाने के लिए श्री राम की भक्ति जरूरी है। जो राम के भक्त हैं, हनुमान उनकी सदैव रक्षा करते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब रावण देवी सीता का हरण करके लंका ले जा रहा था, तब जटायु नाम के पक्षी ने उससे युद्ध किया था। उस दौरान जटायु घायल होकर जमीन पर गिर गया था। बाद में श्रीराम सीता को ढूंढते हुए वहां पहुंचे थे। तब उन्होंने जटायु को मोक्ष प्रदान करने के लिए ले पक्षी बोला था। तब से इस जगह का नाम लेपाक्षी पड़ गया। श्रीलंका में भी हनुमान जी के पैरों के निशान देखने को मिले हैं। बताया जाता है कि जब हनुमान जी लंका पहुंचे थे तब वे उड़कर वहां पहुंचे थे। इस दौरान वे एक चट्टान पर तेजी से उतरे थे। उस दौरान उनके पैर एक चट्टान पर पड़े थे। उनके पैरों की तेजी से चट्टान में थोड़े गड्ढे हो गए थे। यह प्राचीन मंदिर शिमला की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जाखू पर स्थित है, जो समुद्र तल से लगभग 8048 फीट की ऊंचाई पर है। माना जाता है कि जब भगवान हनुमान जाखू पर्वत पर तपस्या कर रहे थे और यक्ष ऋषि से पूछना चाहते थे, तो उन्होंने यहां उतरकर वादा किया था कि वे वापस आएंगे। हालांकि राक्षस कालनेमि के साथ युद्ध के कारण उन्हें विलंब हो गया था और वे वापस नहीं आए। कोरबा के चकचकवा पहाड़ पर हनुमान जी के पदचिन्ह हैं। यहाँ सालों से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इस जगह को हनुमानगढ़ी कहा जाता है। माता सीता का पता लगाने जाते समय हनुमान जी यहाँ ठहरे थे। रामेश्वरम गंधमादन पर्वत, जो कि कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है, वहाँ आज भी हनुमान जी निवास करते हैं। अगर आप सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको हनुमान जी सच में होने का आभास हो जाएगा। हनुमान जी आपके साथ में होंगे। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।